हाय सखीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल सखी ब्यूटी पॉइंट। आज के वीडियो में मैं इनके बहुत ही सुंदर और घने बालों पे स्टेप्स दिखाने वाली हूँ आपको, जो कि मल्टी स्टेप्स हो गया होगा और बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है। तो पूरे वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि ये कटिंग आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके बालों को मैंने टैंगल फ्री करने के बाद अच्छी तरह से वाटर स्प्रे कर लिया है, और चूँकि इनको लेंथ ज़्यादा कम नहीं करनी है तो मैंने थोड़े से नीचे वाले जो ख़राब बाल थे उसको निकाल दिया है। और अब मैं इसको पार्टिंग कर रही हूँ। तो ईयर टू ईयर की पार्टिंग करी है मैंने, कानों के पीछे से बालों को लिया है मैंने, और ईयर टू ईयर वाली पार्टिंग करने के बाद पीछे के बालों को अच्छी तरह से कॉम करा है मैंने, और फ्रंट के बालों को सेक्शन क्लिप द्वारा मैंने सिक्योर कर दिया है। पीछे के बालों को अच्छी तरह से टैंगल फ्री करने के बाद मैं आगे के बालों को क्लिप के द्वारा सिक्योर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो, और कमेंट के द्वारा बताइएगा जरूर कि ये कटिंग आपको कैसी लगी। तो अब चलिए, मैं बीच के बालों को उठाया है मैंने, अच्छी तरह से कॉम करते हुए 180 डिग्री पे ले गई हूँ, और वहाँ पे मैं इसको पीछे के बालों की, नीचे के बालों की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको कट कर दूँगी, क्योंकि इन्हें लॉन्ग में ही स्टेप्स चाहिए। तो मीडियम लेंथ के बाल हैं इनके, और मीडियम लेंथ के बालों में ही इनको स्टेप्स चाहिए, बहुत छोटी नहीं चाहिए। अब देखिएगा, आप इतना ऊपर ले जाकर अगर आप काटेंगे तो बहुत सारे स्टेप्स आ जाएंगे इसमें। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कैमरे में कि कितने सारे स्टेप्स आ गए हैं। अब ये जो हमारे गाइडलाइन बन गए। अब राइट साइड के बालों को थोड़ा लेंगे हम और गाइडलाइन को थोड़ा सा उठाएंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे कॉम करते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, और ऊपर की ओर ले जाते हुए हम बालों को कट कर देंगे। और देखिए, इस तरह से पार्टिंग हो जाएगी। थोड़े थोड़े बालों को अगर आप लेकर करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा और कटिंग भी काफ़ी अच्छी होगी। तो इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मैंने ऊपर ले जाकर कट कर दिया है। मुझे कटिंग करना बहुत पसंद है, अपने प्रोफेशन में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद कटिंग करना ही है। तो इसे बालों को शायद ऊपर वाले ने हमारे सर पर इसलिए दिया है क्योंकि बालों से बहुत ज़्यादा लुक चेंज होता है हमारी पर्सनैलिटी में। अगर अच्छी कटिंग हो तो हमारी पर्सनैलिटी में शायद 4 चांद लग जाते हैं। तो इसलिए बालों का, बाल बेशक छोटे ही हो या बड़े हो, मेरा मानना है कि बाल छोटे हो या बड़े हो दिखने अच्छे चाहिए। अब मैं दूसरी तरफ के बालों को कट कर रही हूँ। इसको भी धीरे धीरे कॉम करते हुए ऊपर ले जाइए, बिल्कुल डरना नहीं है। और इस तरह की कटिंग अगर आप करेंगे तो आप, अगर अपने प्रोफेशन में नए भी हैं तो भी आपके बाल अच्छे कटेंगे। ये देखने में ही ईजी नहीं है, आपके करने में भी बहुत ईजी होगा ये। तो अब राइट साइड के बालों को काट रही हूँ मैं, और इस तरह से कॉम करते हुए ऊपर ले गई और ऊपर ले जा करके कट कर दिया। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जहाँ के बाल आप काट रहे हैं उस तरफ ही खड़े होकर आप बालों को काटें, तो और जिस जगह के बालों को काट रहे हैं वहीं जगह पे आप खड़े रहें। तो इस तरह से कटिंग होने वाली है मेरी बैक साइड की। देखिए, इस तरह से गाइडलाइन को देखते हुए मैंने कट करा है, और बहुत नॉर्मल स्पीड पर रखा है मैंने अपने वीडियो को, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। देखिए, एक साथ कितने सारे स्टेप्स आ गए, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। तो इस तरह से आप अगर काटोगे तो बगैर किसी मेहनत के स्टेप्स आ जाएगा, और कटिंग भी अच्छी हो जाएगी, और बिल्कुल अपने आप ही इसमें वी सा शेप आ जाता है। हमें यू या वी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें अपने आप ही वी सा शेप आ जाता है। इस तरह से आप कॉम कर लें, और अगर आप चाहें तो हल्का फुल्का, अगर आपको लग रहा हो कि छोटे बड़े बाल हैं तो उसको आप ट्रिम करके DPU में जा सकते हैं। और इस तरह से पोनीटेल करने के बाद भी ये बाल गीले हैं तो भी इतने अच्छे लग रहे हैं, इसको अगर हम सेट करेंगे तो कितने प्यारे लगेंगे। अब मैं आती हूँ आगे की तरफ, ईयर टू ईयर वाली पैटिंग की तरफ। तो ईयर टू ईयर वाली बालों में से बीच के बालों को लिया है मैंने, और पीछे की गाइडलाइन से मिलाते हुए बिल्कुल ऊपर ले गई हूँ 90 डिग्री पर। तो डिग्री के चक्कर में आप ना पड़े, बस मेरे हाथों का स्टाइल देखिए किस तरह से काटा है मैंने, और ऊपर ले जाते हुए गाइडलाइन से मिक्स करते हुए मैंने बालों को कट कर दिया है। तो देखने में लग रहा है बहुत ज़्यादा बाल कट रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा बाल नहीं कट रहे हैं। इन बालों में स्टेप्स आता चला जा रहा है और ऊपर के बाल कट रहे हैं, बालों की लेंथ बिल्कुल भी कम नहीं होगी। अब इस तरह से थोड़े से बालों को फिर से निकाला है मैंने, और इसको भी ऊपर अच्छी तरह से कॉम करते हुए ऊपर ले गई हूँ, और बालों को
इस तरह से ऊपर ले जाते हुए अच्छी तरह से कॉम करना है। बाल बिल्कुल भी उलझे हुए नहीं होने चाहिए, नहीं तो कटिंग ख़राब हो जाएगी। और उंगलियों पर लेके इसे कट कर देना। और अब जो लास्ट में बाल बच गए हैं जो लेयर, उसको लेयर बाय लेयर काटना है, थोड़े थोड़े बालों को लेकर काटना है। तो इसको लास्ट में ऊपर ले जाइए और इस तरह से इसको कट कर दीजिए। एक तरफ के बालों की कटिंग हो गई, अब दूसरी तरफ की बालों की कटिंग सेम करनी है। तो उधर मैंने लेयर बाय लेयर दिखा दिया, अब इधर मैं पूरे बालों को इकट्ठे लेकर काटने वाली हूँ, क्योंकि पार्लर में कई बार बहुत रश होता है तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना पड़ता है। और इस मुझे काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस भी है तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। और अब इस तरह से मैंने बालों को कट कर दिया है। अब देखिए कि दोनों तरफ के पूरे बालों में स्टेप्स आ गए। अब इनको फ्रंट से लेयर्स चाहिए, तो उन लेयर्स के लिए हम क्या करेंगे, आगे के बालों में सेंटर पार्टिंग करेंगे और इस तरह से बालों को वी शेप में निकालेंगे और फेस को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। क्लाइंट मेरा क्लाइंट बार बार फेस नीचे कर रहा है, लेकिन अगर आप फेस को ऊपर करके काटिए तो अच्छी कटिंग होती है। तो इस तरह से मैं बार बार उनके चेहरे को ऊपर कर रही हूँ। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद फिर जो गाइडलाइन है उसको लेते हुए हाथों को तिरछा करेंगे और फिर इस तरह से काट देंगे। तो बहुत आसान है, ये बिल्कुल सेट होता चला जाता है। कटिंग करते चले जाइए और बाल बिल्कुल सेट होते चले जाते हैं। कईयों के बाल इतने अच्छे होते हैं बेबी से कि ड्रायर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और कई लोग ड्रायर कराना भी नहीं चाहते हैं, वो सोचते हैं कि बाल डैमेज हो जाएगा। तो फिर उनको हम ज़्यादा ड्रायर नहीं करते, हल्का फुल्का ड्रायर करके सेट करके दे देते हैं। और फिर भी कटिंग अगर अच्छी होती है तो क्लाइंट कॉम्प्लीमेंट देकर ही जाता है। अब देखिए आगे के बाल कितने प्यारे लग रहे हैं, और इस तरह से ये कटिंग लगभग हो गई। अब दूसरी तरफ के बालों को भी हम इसी तरह से सेम तरीके से काटेंगे और उसके बाद फिर हम दोनों तरफ से मिलाकर चेक कर लेंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है, आप एक बार मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर कीजिए। मेरे प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी मेरा वही सखी ब्यूटी पॉइंट के नाम से ही अकाउंट है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जाके भी वीडियोस को चेक कर सकते हैं और मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों के सहयोग की हमें बहुत ज़रूरत होती है, हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप लोग अच्छी तरह से हमें सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ तक आपने सपोर्ट किया है तो मैं यहाँ तक आई हूँ, तो आगे भी उम्मीद रखती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। और इस तरह से अब ब्लो ड्रायर कर रही हूँ मैं, तो आगे का ब्लो ड्रायर मैं दिखा रही हूँ। बैक साइड में मैंने इतना नहीं किया था और वीडियोस नहीं ले पाई थी मैं। अब फ्रंट का ब्लो ड्रायर कैसे करना है वो मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, तो आप देखिए। और इस तरह से फ्रंट पे ब्लो ड्रायर कर देंगे तो बहुत अच्छा सा लुक आ जाएगा फ्रंट से, और बैक साइड से भी हल्का सा ब्लो ड्रायर किया है। तो अब आप देखिए इनका फाइनल लुक और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, लव यू ऑल।